मत्स्य पुराण के 9वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार कथा लेकर के उपस्थित हूँ। आइए अधिक समय खर्च न करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। मनु ने पूछा, भगवान अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी विशेष रूप से ये जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे हो गए। मत्स्य भगवान कहने लगे, हे राजऋषि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुमसे पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। वे सबके सब अमित तेजस्वी हैं। अमूर्त पितृगण बैराज नामक प्रजापति की संतान हैं, इसलिए बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय ये पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम सांख्य योग का आश्रय लेकर योग अभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण दाताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धीय वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या, पितरों की एक और कन्या थी, पहले में मैंने बताया था अमावस्या पितरों की मानसी कन्या थी, लेकिन एक और पितरों की मानसी कन्या जिसका नाम था मैना और हिमवान की पत्नी मानी गई, जो हिमालय पर्वत को विभाई गई थी। मैनाक उसका पुत्र हुआ। क्रौच उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रौच के नाम पर ग्रत से परवेष्टित चतुर्थ दीप क्रौच दीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात मैना ने उमा, एकपर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया, जो सबकी सब योग अभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थी। हिमवान ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, भगवान शिव को, एक सित को तथा एक जैगी सभ्य को प्रदान कर दी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई। उस समय ब्रह्म के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी थी जिससे वे स्वयं जलकर मरी। ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। देखिए श्रोताओं, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें प्रचुर धनराशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, परंतु द्वेषवश शिवजी भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तब वहां अपने पति का भाग ना देखकर सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, अपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों आमंत्रित नहीं किया। तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वह अमंगल का भागी है। इस कारण वह यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है। ये सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र हो। देखिए श्रोताओं, ये 10 प्रचेताओं के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना आरंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गोहक गण, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। ये देख दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो। इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए।
दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, दक्ष मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है उसे तो निसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए। देवी ने कहा, दक्ष यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब ओर सर्वथा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वह सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्याभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथारूप से वर्णन कर रही हूँ। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंग धारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोंत में गोवा में गोमती, मंदर मद्राचल पर कामचारिणी, चैत्ररथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुबज में गौरी, मलयाचल पर्वत पर रंभा, एकामग्र भुवनेश्वर तीर्थ में कीर्तमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरहूता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमबान के पृष्ठभाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्व तीर्थ में बिल्व पत्रिका, श्री शैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, बारहा शैल पर जया, कमलाल तीर्थ में कमला, रुद्रकोटी में रुद्राणी, कालंजर में गिरी पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मरकोट में मुक्तेश्वरी, सालग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी और कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला, गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम तीर्थ जगन्नाथपुरी में विमला, विपाशा में अमोगाक्षी, पुंडर वर्धन में पाटला, सुपार्श्व तीर्थ में नारायणी, विकुट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मलियाचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदाश्रम में त्रसंजा, गंगा द्वार हरिद्वार में रतिक्रिया, शिव कुंड तीर्थ में शिवानंदा, देवका पंजाब की नदी के तट पर नंदिनी, द्वारकापुरी में रुक्मणी और वृंदावन में राधा, मैं ही हूं। मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी, सह्याद्री पर्वत पर एक बीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, करवीर कोलू कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभिया, विंध्यक कंदर में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडवी, माहेश्वरपुर में स्वाहा, छागलांड में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में बरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देवमाता, समुद्र तटवर्ती महाप्रलय तीर्थ में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहका, कार्तिके में यशस्व करी, उत्प्लावर्तक में लोला, सोर संगम में सुभद्रा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भर्ताश्रम में अंगना, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरी पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपाल मोचन में शुद्धि, काया बरोहण, कारावन गुजरात में माता, संगोद्वार में ध्वनि, पिंडारक क्षेत्र में धरती, चंद्रभागा में काला, अच्छोद में शिवकारिणी, बेड़ा में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तरपुर में औषधि, कुशदीप में कुसोदा, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनीया, वैष्णवालय में निधि,
वेदवन में गायत्री, शिव सावित्री में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्म कला और अखिल शरीर धारियों में शक्ति नाम से निवास करती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया है। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नाम उल्लेख आया है। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण कर लेगा, वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपर्युक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा, वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा, वह बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान श्राद्धान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा, वह पार ब्रह्म पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिव जी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मैना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो मुक्ति और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राजऋषि पुरुरवा लोक में अजय हो गए। ययाति ने पुत्र लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अनन्या अन्य बहुत से देवता दैत्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप से मनोवांछित लिखकर, जहां ये नामावली लिखी रहती है अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहां सभी शोक और दुर्गति का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो कि सती जब शरीर त्याग रही थी तो दक्ष प्रजापति ने सती से क्या मांगा था। देखिए एक बहुत ही रहस्यमय कथा थी कि दक्ष प्रजापति ने जलते हुए शरीर में माता सती से क्या मांग लिया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।